जय माता दी फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ए फेमस ट्रेजेडी दैट इज द स्पेनिश ट्रेजेडी बाय थॉमस किड। फ्रेंड्स, ये जो द स्पेनिश ट्रेजेडी और यू कैन से हेरोनिमो इज मैड अगेन, कौन सा कैरेक्टर है हेरोनिमो और क्यों ये मैड होता है और इसको मतलब द स्पेनिश ट्रेजेडी का ये दूसरा नाम क्यों है, तो आपको ये तो इस जो प्ले है इसको की स्टोरी डिस्कस करेंगे उसके बाद में आपको पता चल ही जाएगा। दिस वॉज रिटन बिटवीन 1582 एंड 1592। बहुत ही ज़्यादा अपने टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी और जैसा कि हम शेक्सपियर के हैमलेट में देखते हैं, एक प्ले के अंदर प्ले परफॉर्म किया जाएगा, मतलब ये जो प्ले है इसके अंदर परफॉर्म किया जाएगा। और ट्रेजेडी क्यों है और स्पेशली अगर हम इसे कहें तो ये एक रिवेंज प्ले है, एक रिवेंज ट्रेजेडी है। इसमें कोई रिवेंज लेना चाहता है और लास्ट में उसका ये रिवेंज है ये कंप्लीट होता है। बहुत सारे मर्डर्स होते हैं इसके बीच में और एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको पर्सोनिफाई किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हो रिवेंज, मतलब वैसे रिवेंज का मतलब हमें पता है और यहाँ पे रिवेंज कैरेक्टर का नाम है। तो इसी के साथ में हम ये जो है प्ले डिस्कस करेंगे। पहले हम थोड़ा सा कैरेक्टर्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे घोस्ट ऑफ एंड्रिया, मतलब एक एंड्रिया नाम का एक स्पेनिश नोबलमैन है, उसका भूत दिखाया जाता है स्टार्टिंग में ही। वो स्टार्टिंग में मर चुका है जब प्ले स्टार्ट होता है, उसका घोस्ट दिखाया जाता है और वो घोस्ट और उसके साथ में जो रिवेंज नाम का है एक कंपेनियन, वो थ्रू आउट द प्ले बने रहते हैं। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो स्टार्टिंग से एंड तक होते हैं, क्योंकि ये जो ट्रेजेडी है रिवेंज ट्रेजेडी, ये रिवेंज एंड्रिया ही लेना चाहता है अपनी मौत का बदला। तो इसका जो घोस्ट है ये रिवेंज के लिए आया है, क्योंकि जब पुर्तगाल और स्पेनिश के बीच में लड़ाई होती है तो पुर्तगाल का एक प्रिंस होता है बेल्थजार, उसने इसको मार दिया था एंड्रिया को। इसलिए रिवेंज नाम का एक इसका कंपेनियन है जो क्वीन ऑफ हेड्स जो प्रोजरपाइन है, उसने उसको भेजा है एंड्रिया के साथ में और ये इसके साथ में बना रहेगा प्ले में। होरेशियो जो है एक बहुत ही अच्छा बेटा है हेरोनिमो का, जिसका हमने स्टार्टिंग में जिक्र किया है, हेरोनिमो इज मैड अगेन, तो ये इसका बेटा है और इसका मर्डर कर दिया जाता है। इसाबेला जो है वो हेरोनिमो की जो वाइफ है और ये सुसाइड कर लेती हैं, क्योंकि ये अपने बेटे के दुख, मतलब होरेशियो के दुख में इतना दुखी हैं। हेरोनिमो, जैसा कि मैंने बताया, ये होरेशियो के फादर हैं, द मार्शल ऑफ स्पेन हैं और ये भी अपने बेटे का मौत का बदला लेना चाहते हैं, किस तरीके से वो हम देखेंगे। बेल एम्पेरिया जो है ये ड्यूक ऑफ कैस्टाइल की डॉटर है और एंड्रिया से ये लव करती थी, मतलब एंड्रिया का ये लव थी। साथ ही साथ में बाद में इसका फैक्शन जो है होरेशियो की तरफ होने लग जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि होरेशियो को भी मार दिया गया है, तो ये भी रिवेंज लेगी। पेंड्रिंगानो जो है ये बेल एम्पेरिया का सर्वेंट है, लेकिन बहुत ही लालची है, इसको कोई भी पैसे देकर अपनी तरफ कर सकता है। लॉरेंजो जो है ये एक होरेशियो के जो मर्डर्स थे उनमें से एक है, क्योंकि लॉरेंजो, बेल्थजार, सर्वराइन और पेंड्रिंगो जो है इन्होंने मिलकर, इन चारों ने मिलकर इसे मारा था, तो उसमें से एक मर्डर लॉरेंजो भी है जो बेल एम्पेरिया का ही भाई है जिसको वो प्यार करता था। बेल्थजार जो है वो, जैसा कि मैंने बताया, पुर्तगाल और स्पेन की लड़ाई थी और बेल्थजार ने ही एंड्रिया को मारा था, तो बेल्थजार जो है प्रिंस ऑफ पुर्तगाल है और ये पुर्तगाल का जो वाइसरॉय है उसका बेटा है। सर्वराइन ये बेल्थजार का सर्वेंट है, ये भी मर्डर में शामिल होता है। द किंग ऑफ स्पेन की बात करें तो ये डॉन साइप्रियन का ब्रदर है। डॉन साइप्रियन कौन है, तो ये ड्यूक ऑफ कैसेटाइल हैं और जिसको हेरोनिमो ने स्टैब करके मार दिया था, और ये जो है ये इन दोनों का फादर भी है, मतलब जो ये ड्यूक ऑफ कैसेटाइल है इसी की बेटी है बेल एम्पेरिया, और बेल एम्पेरिया का भाई लॉरेंजो है, तो मतलब इन दोनों के इसके ये बच्चे हैं, ये दोनों बेल एम्पेरिया और लॉरेंजो जो हैं ये डॉन साइप्रियन के ही बच्चे हैं।
द वाइसरॉय ऑफ पुर्तगाल की बात करें तो ये डॉन बेल्थजार का बेटा है, और अलेक्जेंड्रो और विलुपू जो लास्ट के जो दो कैरेक्टर हैं, इनका ये रोल होता है कि ये जो वाइसरॉय है मतलब बेल्थजार के जो फादर हैं उसके सामने विलुपो एक फॉल्स स्टोरी प्रेजेंट करता है। विलुपो ये कहता है कि तुम्हारे बेटे को युद्ध के मैदान में अलेक्जेंड्रो ने मारा है, इसलिए अलेक्जेंड्रो को कैद कर दी जाती है, प्रिजन में डाल दिया जाता है। बाद में ये सारे चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाती हैं, तब जो वाइसरॉय है वो अलेक्जेंड्रो को तो छोड़ देता है और विलुपो को ही सजा मिलती है। सो बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें क्लियर हो गई होंगी फ्रेंड्स। अब हम इस स्टोरी को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में ही स्पेनिश ट्रेजिडी के घोस्ट दिखाया जाता है डॉन एंड्रिया का, एक स्पेनिश नोबल मैन है जिसको अभी पुर्तगाल के साथ में एक बैटल हुई थी उसमें मार दिया गया था। वो अब एक स्प्रिट के साथ में आया है रिवेंज के साथ में, और वो पूरी स्टोरी जो है उसकी डेथ की वो वहाँ पे बताता है कि मुझे किस तरीके से बेल्थजार ने मारा था एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट में, जो पुर्तगाल का था जो बेल्थजार था वो। ये भी बताता है कि ये बेल इम्पीरिया से प्यार करता था और मतलब उसका सीक्रेट अफेयर था। साथ ही साथ में फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये एंड्रिया से लव करती थी बेल इम्पीरिया, ये इनकी मर्जी के खिलाफ था, और हॉरिशियो को भी इसके जो पेरेंट्स थे वो लाइक नहीं करते थे, मतलब इसका फादर जो था डॉन साइपरियन, लेकिन ये मतलब कहीं ना कहीं सीक्रेट लव अफेयर था इन दोनों का। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब उसको मौत हो जाती है एंड्रिया की, और यहाँ पे असाइन करने की बात चलती है उसको अंडरवर्ल्ड में कि कहाँ पे इसको भेजा जाए, तो स्टार्टिंग में ये डिसीज़न अभी क्लियर नहीं होता है, लेकिन एंड में एंड्रिया ही बहुत सारे स्प्रिट्स को ये डिसाइड करेगा, बहुत सारे स्प्रिट्स के लिए जिनका मर्डर हुआ होगा या ख़त्म कर दिया जाता है एट द एंड, तो वो कौन कहाँ पर जाएंगी, किसको इटर्निटी मिलेगी और किसको हेल मिलेगा। तो यहाँ पे उसके लिए डिसीज़न चल रहा है एंड्रिया के लिए, तो उसको क्वीन ऑफ अंडरवर्ल्ड के पास में भेजा जाता है प्रोजरपाइन के पास में। तो प्रोजरपाइन जो है वो रिवेंज को उसके साथ में भेजती है जब उसे पता चलता है कि इसको अपनी मौत का बदला चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो स्प्रिट है रिवेंज, ये प्रॉमिस करती है कि तुम्हें एंड में जो तुम्हारा जो रिवेंज है, एंड्रिया को ऐसे कहती है वो स्प्रिट कि तुम्हें अपना जो रिवेंज है वो एट द एंड मिल जाएगा, और इस प्ले के एंड में भी रिवेंज जो है वो कंप्लीट हो जाता है उसका। एंड्रिया जो है वो सीन में जहाँ पे उसने छोड़ा था, वो बैटल में जहाँ पे उसकी मौत हुई थी वहीं से वो वापस स्टार्ट करते हैं, और उस बैटल वाले सीन में जाते हैं वो जहाँ पे उनको ये पता चलता है कि स्पेनिश और पुर्तगाल की लड़ाई में स्पेनिश जीत जाते हैं, स्पेन जीत जाता है, और बेल्थजार जो है उसको प्रिजनर बना लिया जाता है। और जब एंड्रिया की डेथ होती है उसके कुछ टाइम बाद में ही, एंड्रिया का ही एक अच्छा फ्रेंड हॉरिशियो जो था, जो हेरोनिमो का बेटा था, हेरोनिमो जैसा कि मैंने बताया द नाइट मार्शल ऑफ स्पेन, वो उसी उसका जो बेटा है हॉरिशियो, उसी ने उसको बेल्थजार को बंदी बनाया है। तो ये बात एंड्रिया को पता चलती है। अब यहाँ पे क्या है कि एक डिस्प्यूट हो जाता है कि हॉरिशियो और लॉरेंजो जो दोनों उस युद्ध के मैदान में गए थे, लॉरेंजो जो ड्यूक ऑफ कैसेटाइल का बेटा है और भाई है बेल इम्पीरिया का, वो एक्चुअल में ये कहता है कि मैंने पकड़ा है इसे, मतलब कहा जाए कि बेल्थजार के अगर हमें कैद करने की बात करें तो वो कहता है कि मैंने किया है, और दूसरी तरफ हॉरिशियो ने हमें पता है कि उसी ने पकड़ा था उसे। तो यहाँ पे किंग ऑफ स्पेन है वो ये डिसाइड करता है कि उन दोनों में से दोनों की जो बराबरी किस तरीके से करता है, कि हॉरिशियो तो को तो वो रैंसम मनी मिल जाएगा जो बेल्थजार के बदले में पे किया जाएगा, और दूसरी तरफ लॉरेंजो को वो प्रिंस दे दिया जाता है बेल्थजार कि तुम अपने घर ले जाओ इसको, मतलब ये तुम्हारी निगरानी में रहेगा बेल्थजार, तो और हॉरिशियो को रैंसम मनी मिलेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम पुर्तगाल की बात करें दूसरी तरफ, ये सब कुछ तो स्पेन में चल रहा है, वाइसरॉय जो है बेल्थजार का जो फादर हैं वो ये बिलीव कर चुके हों कि उनका बेटा मर चुका है, उसे नहीं पता कि उसको बंदी बनाकर स्पेन ले जाया गया है।
अब क्या होता है, इसी सीन का फायदा उठाकर विलुपो नाम का एक जो पर्सन होता है वो ये कहता है कि इनोसेंट नोबल होता है अलेक्जेंड्रो नाम का, उसके ऊपर सारा ब्लेम डाल देता है कि बल्थजार का मर्डर इसने किया है। दूसरी तरफ दोनों तरफ जैसे कि स्पेन और पुर्तगाल के बीच में डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस चल रहे थे कि किसी तरीके से उनके जो संबंध हैं वो अच्छे हो सकें। मतलब एम्बेसिडर आ रहे थे जा रहे थे और अपनी जो संधि की बातें हैं वो चल रही थी। अब यहाँ पे क्या होता है कि स्पेनिश किंग इस बात पे राजी हो जाता है कि बेल्थजार को हम रिटर्न ही कर देंगे, मतलब हम दोनों के रिश्ते जो हैं वो सही हो जाएं, स्पेन और पुर्तगाल के बीच के जो हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि दूसरी तरफ बेल्थजार जो है वो बेल इम्पीरिया के प्यार में पड़ जाता है, और जो बेल इम्पीरिया का जो सर्वेंट होता है पेड्रिंगानो वो रिवील कर देता है सब कुछ कि बेल इम्पीरिया जो है वो होरेशियो से प्यार करती है, और होरेशियो भी मतलब उसके तरफ इसी तरीके से उसकी जो अफेक्शंस हैं उसको रिटर्न कर रहा है। तो इस तरीके की बातें सुनकर उसको बेल्थजार को अच्छा नहीं लगता है। होरेशियो जो है अब वैसे भी होरेशियो से वो नफरत करता था, लॉरेंजो भी, क्योंकि लॉरेंजो और होरेशियो के बीच में ही स्टार्टिंग में डिस्प्यूट हुआ था कि एक्चुअल में बेल्थजार को किसने पकड़ा था। तो यहाँ पे उन दोनों में तो थी फाइटिंग, साथ ही साथ में लॉरेंजो होरेशियो को इसलिए भी लाइक नहीं करता था क्योंकि वो उसका मतलब एक सिविल सर्वेंट का बेटा था, वो लोअर बॉर्न की वजह से। तो यहाँ पे होरेशियो को लॉरेंजो लाइक नहीं करता था, और दूसरी तरफ इसकी दुश्मनी बेल्थजार से भी होती है, उसको उसने पकड़ा भी था, और यहाँ पे बेल्थजार को ये भी पता चल जाता है कि होरेशियो से बेल इम्पीरिया प्यार करती है। तो उसको ये लगता है कि जब तक होरेशियो जिंदा रहेगा बेल इम्पीरिया मुझे नहीं मिल सकती है। तो दोनों ही मतलब लॉरेंजो और बेल्थजार दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि हमें होरेशियो को रास्ते से हटाना पड़ेगा, और ये सब कुछ करने के लिए हमें पेड्रिंगानो मतलब जो बेल इम्पीरिया का सर्वेंट है उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, और साथ में बेल्थजार का जो सर्वेंट था सर्बराइन उसको भी इन्वॉल्व कर लिया जाता है। अब ये चारों एक मर्डर करते हैं, चारों मर्डर में शामिल होते हैं जहाँ पर वो दोनों लवर मिलते हैं, मतलब बेल इम्पीरिया और होरेशियो। बेल इम्पीरिया को उठा ले लिया जाता है वहाँ से और होरेशियो को मार दिया जाता है। हाइरोनिमो को जब ये सब कुछ पता चलता है कि उसके बेटे को मार दिया गया है वो बिल्कुल पागल सा हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, और उसकी मदर जो है होरेशियो की इसाबेला उसकी भी हालत ऐसी होती है। तो मतलब होरेशियो के दोनों पेरेंट्स ऑलमोस्ट पागल सा रिएक्ट कर रहे हैं, और हो ना हो अब हाइरोनिमो ने ये डिसाइड कर रखा है कि वो अपने बेटे की मौत का बदला लेगा, कि एक्चुअल में किसने उसे मारा है ये वो फाइंड आउट करेगा। पुर्तगाल की हम बात करें तो अलेक्जेंड्रो जो था वो छूट जाता है, अपनी मौत से बच जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया पुर्तगाल के एम्बेसिडर आ रहे थे जा रहे थे, उन दोनों में जो स्पेन और पुर्तगाल के बीच की जो संधियाँ थी बातें थी कि हम दोनों में पीस हो जाना चाहिए, तो एम्बेसिडर ने उसे बता दिया था कि तुम्हारा बेटा जिंदा है। तो जब ये न्यूज़ मिलती है तो दैट मीन्स कि विलुपो झूठ बोल रहा था, और विलुपो को सेंटेंस डेथ सेंटेंस दी जाती है और अलेक्जेंड्रो को छोड़ दिया जाता है। स्पेन में क्या हो रहा होता है कि हाइरोनिमो तो जैसा कि मैंने बताया ऑलमोस्ट पागल हो गया है और उसे अपने बेटे के लिए जस्टिस चाहिए। हाइरोनिमो को अब एक लेटर भी मिलता है क्योंकि बेल इम्पीरिया को पकड़ वो कैद में होती है, उसका भाई उठा लाता है उसको वहाँ से जब होरेशियो का मर्डर करते हैं वो, तो वो एकदम मतलब ब्लड में लिखा हुआ लेटर मिलता है बेल इम्पीरिया की तरफ से हाइरोनिमो को, और वो मतलब वो बता देती है कि लॉरेंजो और बेल्थजार ने उसके बेटे का मर्डर किया है। अब वो अनसर्टेन होता है कि बिलीव करे नहीं करे, और करे भी तो फिर क्या करे, मतलब किस तरीके से मारे, किस तरीके से वो अपने बेटे की मौत का रिवेंज ले। अब यहाँ पे हाइरोनिमो है वो बहुत दुखी होता है। लॉरेंजो जो है वो अब उसको लगने लगा है कि हो ना हो हाइरोनिमो के ऐसे बिहेवियर और उसको मतलब इस तरीके की चीज़ें देखते हुए उसको डर लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी सारी चीज़ें रिवील नहीं हो जाएं, और एक मर्डर में वैसे भी चार लोग शामिल थे। अब वो एक छल कपट वाले मैनर को अपनाता है कि मुझे किसी भी तरीके से इस क्राइम को मतलब छुपाने के लिए मुझे लोगों को ख़त्म करना पड़ेगा। तो वो सहारा लेता है पेड्रिंगानो को, वो कहता है कि पेड्रिंगानो को कि तुम सर्बराइन को मार दो। वो सर्बराइन को मार देता है, और बाद में पेड्रिंगानो को ये भी कहा जाता है कि तुम्हें अरेस्ट तो कर लिया जाएगा तुम्हारे क्राइम के लिए कि तुमने सर्बराइन का मर्डर किया है, लेकिन हम तुम्हें बचा लेंगे एक पार्डन लेटर भेजकर।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है और उसे एग्जीक्यूट करवा दिया जाता है, तो उनका रास्ता साफ हो गया कि मतलब दोनों जो सर्वेंट थे वो मार दिए जाएंगे। अब उस मर्डर का पता है लोरेंजो और बेल्थजार को ही। लेकिन यहाँ पे पेंड्रियागानो का जो डेड बॉडी थी उसके ऊपर जो लेटर था उससे ये रिवील हो जाता है कि लोरेंजो को एक्सपोज हो जाता है कि उसका मर्डर में हाथ है। दूसरी तरफ यहाँ पे पुर्तगाल और स्पेन के जो रिश्ते हैं वो सही करने की कोशिश की जाती है, और इस कोशिश में एक चीज़ ये फाइनल होती है कि बेल्थजार और बेल एम्पीरिया की शादी कर दी जाए ताकि दोनों रॉयल लाइंस जो हैं उनके बीच में एक संबंध स्थापित हो जाएगा, तो दोनों कंट्रीज़ जो हैं उनमें पीस हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जैसा कि मैंने बताया कि हेरोनिमो को ये चीज़ पता चल चुकी है अब कि लोरेंजो और बेल्थजार जो हैं वो सस्पिशियस हो चुके हैं, उन पर शक है हेरोनिमो को। अब यहाँ पे वो अब क्या करे, क्योंकि लोरेंजो के वो मार नहीं सकता है क्योंकि लोरेंजो जो था वो किंग के भाई का ही बेटा था, मतलब किंग का भतीजा था, क्योंकि डॉन साइपरियन का बेटा था और डॉन साइपरियन जो थे वो किंग के ब्रदर थे, तो हो ना हो वो कोई ना कोई जो रॉयल जस्टिस का जो मैटर चलेगा तो उसको वो रोक सकता है कहीं पे भी। तो अब एक डिस्ट्रेस्ड फादर करे क्या, अब हेरोनिमो लेकिन कसम खा लेता है कि मुझे रिवेंज लेनी है और इनको प्राइवेटली ही मानना पड़ेगा, इन दोनों किलर्स को, मतलब बेल्थजार और लोरेंजो को। अब यहाँ पे क्या करता है कि वो भी कुछ ट्रिक सोचता है कि किस तरीके से लोरेंजो को ऐसे जगह पे पकड़ा जाए जहाँ पे उसके गार्ड वगैरह नहीं हों। लेकिन इसका जो काम था वो आसान हो जाता है हेरोनिमो का, क्योंकि यहाँ पे बेल एम्पीरिया और बेल्थजार की जो शादी होने वाली है उसमें एक प्ले परफॉर्म करना है, मतलब वहाँ पे जो भी सेरेमनी होगी उसका एंटरटेनमेंट का काम हेरोनिमो को मिलता है। अब वो एक डिसाइड करता है कि एक वो प्ले डिसाइड करेगा जिसमें वो रिवेंज होगा, उसमें एक ट्रेजेडी होगी और वो वहाँ पे प्ले करेगा, और लोरेंजो और बेल्थजार को भी इस चीज़ के लिए राजी कर लेता है कि तुम भी उस प्ले में एक्ट करना। बेल एम्पीरिया तो पहले से उसके साथ होती है क्योंकि उसे भी रिवेंज लेना होता है। अब क्या होता है कि प्ले इस तरीके से होता है कि वो परफॉर्म होने से पहले ही इसाबेला जो थी होरेशियो की मदर थी, जो अपने बेटे के गम में इतनी दुखी थी, वो सुसाइड कर लेती है, खुद को मार लेती है। अब क्या होता है कि यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अब मर्डर होगा और इसका जो ट्रेजेडी है, जो ये प्ले है ये परफॉर्म करने वाले हैं, इसमें भी इसी तरीके की ये स्टोरी लेते हैं कि एक सुल्तान ने एक नोबल फ्रेंड का मर्डर कर दिया सिर्फ उसे एक वुमेन की वजह से, उसके लिए उसको जेलसी थी, जैसा कि बेल एम्पीरिया के लिए होरेशियो को मारा गया था बेल्थजार और लोरेंजो के द्वारा। तो ये मतलब प्लॉट होता है और यहाँ पे सारे लोग तैयार हो चुके हैं, और जो मर्डरर होता है जिसने मारा होता है वो हेरोनिमो खुद को रखता है कि मैं मर्डरर बनूंगा उस प्ले में। अब प्ले स्टार्ट होता है, हेरोनिमो जो है वो लोरेंजो को मार देता है और बेल एम्पीरिया का जो कैरेक्टर होता है वो बेल्थजार को मार देता है। दो मर्डर हो चुके हैं, रिवेंज कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे जो बेल एम्पीरिया है वो बेल्थजार को मारने के बाद में खुद को भी मार लेती है। प्ले ख़त्म हो चुका है, हेरोनिमो को भी पता है कि सब कुछ रिवील होगा, वो रिवील कर भी देता है कि जो देख रहे थे मतलब डॉन साइपरियन के दोनों बच्चे मर चुके हैं, बेल एम्पीरिया भी मर चुकी है और लोरेंजो भी मर चुका है, और जो कुछ भी हो रहा था इस प्ले में सारे रियल नाइफ्स थे और उनसे ये रियल मर्डर्स हुए हैं, ये सारा कुछ वो रिवील कर देता है। अब क्या होता है कि वो खुद को कि कुछ ना बता पाए, वो खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन किंग और वायसरॉय वगैरह, वायसरॉय भी वहीं होता है अपने बेटे की शादी में सलीक होने के लिए आता है, तो वो भी वहीं होता है और ये सब उसे रोक लेते हैं और उसे मरने नहीं देते हैं हेरोनिमो को। अब क्या होता है कि लेकिन हेरोनिमो जो है वो ट्रिक करता है और किंग का ही नाइफ लेकर और ख़त्म कर देता है, मतलब एक और मर्डर करता है
और उस नाइफ से मर्डर करने के बाद में, उस ड्यूक को मारने के बाद में खुद को भी मार लेता है, ड्यूक ऑफ कैसेटाइल को मारने के बाद में खुद को भी ख़त्म कर लेता है। इस तरीके से ये रिवेंज ट्रेजेडी ख़त्म होती है और एट द एंड मतलब सारे जो मर्डर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं इनकी जो रिवेंज ट्रेजेडी। रिवेंज और एंड्रिया का जो स्प्रिट है, रिवेंज स्प्रिट जो है और एंड्रिया जो है वो जैसा कि मैंने बताया इस प्ले को थ्रू आउट दिस प्ले बने रहते हैं वो। तो फाइनल वर्ड्स जो होते हैं इस प्ले के वो यही कहते हैं कि एंड्रिया ये असाइन करता है कि जो गुड कैरेक्टर्स होते हैं जैसे हर्नेमो, बेल एम्पीरिया, होरेशियो, इसाबेला, ये जो सारे मरते हैं ये तो हैप्पी एटर्निटीज़ हैं और जो बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं वो पनिशमेंट के लिए जाएंगे हेल के अंदर, टॉर्चर्स और पनिशमेंट के लिए। तो एट द एंड ये सब कुछ एंड्रिया ही डिसाइड करता है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि ये ट्रेजिडी थी, इसमें कितने सारे मर्डर्स होते हैं। और होप यू लाइक इट, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू।